अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने फिज़िक्स उठाई है मैट्रिक की। फर्स्ट चैप्टर है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। फिज़िक्स के बारे में हम पढ़ ले ही पढ़ चुके हैं। फिज़िक्स हमारी डेली बेसिस में की लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स बहुत किस्म की होती हैं। लाइट वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इस चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा वेव एंड द नेचर ऑफ द वेव्स। वेव्स बेसिकली है क्या? वेव्स वो चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ लेके जाए। ठीक है, अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एनर्जी। तो वेव क्या हुई? वेव वो चीज़ है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए, और इसको हम क्या कहते हैं? वेव। वेव फॉर्म कैसे होती है? जाहिर सी बात है, हर चीज़ को बनने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे बच्चे जो है रोप से खेलते हैं। हमारे पास रोप्स होती हैं, स्किपिंग रोप, जिसे हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। अगर एक बच्चे ने यहाँ से हैंडल किया हुआ है और इसको ऐसे 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 हम करेंगे, तो ये क्या डेवलप हो रही है? ये वेव्स हो रही हैं। सिमिलरली पानी के अंदर, पानी के अंदर जब स्टोन हिट होता है तो फिर ऐसे ऐसे और ऐसे हमारे पास वेव होती हैं डेवलप। तो वेव तो बहुत किस्म की हो सकती हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है ना, वाइब्रेशन में। तो हमारे पास बहुत किस्म की वेव्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कि वेव्स हम जो बना रहे हैं किसकी मदद से? रोप की मदद से। अगेन अगर हम चाहें तो इसके दो हिस्से तरीके से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगेन वही मिसाल दूंगी, दो बच्चे हैं और दोनों ने रोप दोनों कॉर्नर से पकड़ी हुई है। अगर दोनों एक साथ वेव करेंगे तो ये यहाँ से भी वेव डेवलप होगी और यहाँ से भी वेव डेवलप होगी। इसी तरह अगर एक एंड हम फिक्स कर दें रोप का और एक एंड पे हम रोप को पकड़ लें और फिर यहाँ से हम हिलाना शुरू करें, तो इस किस्म की जाके हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो हम वेव्स इस तरह भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वेव्स इन अ सिल्की स्प्रिंग। सिल्की स्प्रिंग का क्या मतलब है? जो पहले से कंप्रेस्ड हुआ हुआ हो, हेलिकल कॉइल, यानी कि थोड़ा सा जिस तरह के आपके पेन्स में स्प्रिंग्स होते हैं वैसे स्प्रिंग, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अब ये इन्होंने वॉल से अटैच कर दिया है। जाहिर सी बात है, इसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, एक एंड मूवेबल है। जहाँ से आप स्ट्रेच, यहाँ से आप जब स्ट्रेच करोगे या हिलाओगे तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर ए में, फिर बी में, एंड सेकेंडली आपके सी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारी वेव्स हो गई। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास लेबोरेटरीज़ हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम चेक करते हैं कि किस तरह हमारी वेव्स बन सकती हैं। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं। एक वो वेव जिनका एंड फ्री हो, एक वो वेव जिनका एंड फिक्स्ड हो, और दोनों तरीके में हमारे पास वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपको इसमें देख सकते हैं आप, ये कंप्रेस रीजन है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कंप्रेस रीजन होते हैं उनके अंदर हमारे पास ऐसे वाइब्रेशन मोड में देखें, ये आप खोलेंगी फिर आप जब बंद करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वेव का स्ट्रेच यहाँ होके आएगा, फिर यहाँ आएगा, इवेंचुअली यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है जी, नाउ व्हाट इज़ रिपल टैंक? वाटर में अक्सर हम बच्चे जो हैं मस्ती करते हैं, पानी के पास बैठ के हम स्टोन्स ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं स्टोन, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप एंड ऑनवर्ड्स जाता रहता है। जब पहली दफ़ा हिट करता है तब भी सर्कल वेव्स आती हैं, देन सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। सिमिलरली यू कैन डू इट, आप एक पानी का ग्लास ले सकते हैं एंड उसमें आप कोई कॉइन या आप ड्रॉप ऑफ द वाटर यू कैन पुट ऑन इट। जैसे आप उसमें डालेंगे वैसे ही वो सर्कल ऐसे करके हमारे पास सर्कल करके ऐसे वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो वेव्स होती हैं इनको हम रिपल टैंक वेव्स ये कहते हैं, इनको वाटर वेव्स भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। अ रिपल टैंक इज़ अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ अ वाटर यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसका हम घर में बाल्टी में किसी कोई जार ले लें, कोई बाउल ले लें, उसको पानी से भर लें और उसमें ऊपर से कोई चीज़ डालें, कॉइन डालें या कुछ भी डालें, तो आराम से आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ जाएगा एंड यू कैन ईजिली लर्न द रिपल टैंक वेव्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। अब ऑब्वियसली मोशन क्या होता है? द मूवमेंट। तो ऑब्वियसली वेव खड़ी तो रहेगी नहीं, वो मूव करेगी, तो ऑब्वियसली जब वो मूव करेगी तो उसके टाइप्स भी होंगी, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम इसमें पढ़ेंगे। पहला क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसफर वेव क्या है? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रांसफर जी
आपका ये आ रहा है। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अप एंड डाउन, एक ट्रफ होता है एक क्रस्ट होता है हमारा। ट्रांसफर वेव बेसिकली है होती क्या है, वो वेव जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चले। अगेन रिपीट कर लेते हैं, वो वेव जो जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चले। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है मेरा बच्चे, तो वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है हमारा वो ट्रफ कहलाता है। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ मिलके हमारा वेव्स बनाते हैं। ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। ठीक है जी, अब अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, ये है इसका जाने का डायरेक्शन, तो वो ऐसे चलेगा। इस डायरेक्शन में हो तो भी, कोई भी डायरेक्शन हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट डिफरेंस क्या आएगा कि ये परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की जो दोनों की सलाहियों तो से मिलके बनती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तब व्हाट इज एम्पलीट्यूड, भाई एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू द मेन पॉइंट। यानी मिसाल के तौर पे हम इस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है जी, तो एम्पलीट्यूड हमारा मीन पोजीशन होता है रेस्ट से पहले या मीन पोजीशन। इसमें आपका हाईएस्ट क्रस्ट और डेप्थ और ट्रफ जो है वो आपकी रेस्ट पोजीशन को शो करती है, जैसे कि फिगर 10.8 में हम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वेवलेंथ है। ठीक है जी, ये डायरेक्शन प्रोपगेशन है। क्रस्ट क्या होता है, वो पॉइंट सरफेस पे जहाँ वेव डिस्प्लेसमेंट करती है मीडियम एट अ मैक्सिमम, यानी कि ऊपर पार्ट हम कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में आकर बात करें तो जी ऊपर की जितनी भी वेव्स होती हैं वो क्रस्ट होती हैं। ठीक है जी, सिमिलरली अगर इसमें मैक्सिमम हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ऊपर का क्या हो गया क्रस्ट, नीचे का क्या हो गया ट्रफ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स अगेन दोज वेव्स विच ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है ना, हमने अभी क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर, अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल। पैरेलल ऐसे, ये पैरेलल, ये पैरेलल्स होते हैं। तो ऐसी वेव जो के डायरेक्शन के पैरेलल चलें वो क्या होती हैं आपकी, परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल सॉरी। अब आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग की आपको बहुत ज़बरदस्त वो रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से कंप्रेस करेंगे, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा। अब इसमें पढ़ते हैं आगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो रीजन जहाँ पर कॉयल या कोई भी पार्टिकल अपार्ट, एवरेज अपार्ट हो, यानी कि डिस्टेंस, एवरेज अपार्ट उसमें डिस्टेंस आ जाए, वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं इसमें। वेव्स आर मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मैटर। क्या मतलब जी, इसका मतलब ये है कि वेव वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि जी हमें टेलीफोन पे बात की तो टेलीफोन पूरा चल के जाएगा दूसरी जगह और फिर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से जो आपकी वेव्स निकलेंगी वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगी कनेक्शन के लिए। ठीक है, द वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगेन वही बात दोबारा से रिपीट की गई है कि वेव वो चीज़ है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए। इसके लिए मैटर ज़रूरी नहीं, मैटर ऑब्वियसली नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर टीवी है हमारे पास, हम टीवी तो नहीं लेके जाके घूमते रहते ना हर जगह पे। रेडियो है, सबके एंटेनास होते हैं, सबका ट्रांसमीटर्स होते हैं, किसी के आपका कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपके वो होते हैं वेव्स निकालने लेने के लिए, तो वो आपके पास होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस। ठीक है जी, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो जिनको कोई नीड हो प्रोपेगेशन की, जिनको जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई प्रोपेगेशन की नीड नहीं होती। सिमिलरली मैकेनिकल जो है वो वाइब्रेटिंग मोशन से भी हो सकती हैं, जबकि इनको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मैग्नेटिक वेव्स, ये सब इसके एग्जांपल है, जबकि इसमें यूवी, अल्ट्रा वेव्स, इंफ्रारेड, ये सब इसके अंदर होती हैं। मैकेनिकल वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी, जबकि ये ट्रांसफ़र होंगी खाली, ये कंप्रेस ट्रांसफ़र होंगी। मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम में वो नहीं जा सकती, जबकि ये चल सकता है, उसकी पावर जो है 10 पावर
एक्सपेरेंट 8 है, ये आपको याद कर लीजिएगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो जाए। सिमिलरली मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू मीडिया डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज और इफेक्टिव मीडियम, किस मीडियम से जा रही हैं उस मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना बेटे, वो ट्रांसपेरेंट है मीडिया, उसका स्पीड डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिस्पेक्टिव मीडियम में। अच्छा जी, अब सेल्फ असेसमेंट आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है जी, तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं हम। इसमें आपके पास एक सवाल निकलता है आपका डिफरेंशिएट का, ठीक है, आपके पास टाइप्स ऑफ वेव्स का निकलता है, व्हाट इज़ वेव्स है, हाउ वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है, हाउ कैन वी फॉर्म वेव्स बाय रोप और इन अ वाटर टैंक, इनका आ सकता है सवाल। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। थैंक यू।